तो यार यहाँ पर देख सकते हो हम लोग स्टेशन आ चुके हैं। तो यार स्टेशन में इसलिए आए क्योंकि कानपुर जाने के लिए हमें स्टेशन तो आना पड़ेगा ना बॉस। तो यार इस जगह पे अपन लोग कटवा रहे हैं टिकट और यहाँ पर देख सकते हो अरे अरे भाई साहब भाई 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 भाई। लगता है ये भी टिकट कटाने आई है। तो यार यहाँ पर ट्रेन आ चुकी थी और यार मैंने ट्रेन में एक चीज नोटिस की कि ये ट्रेन नीली की जगह पीली है। क्या बात है। तो यार इस ट्रेन को देख के तो मुझे लगता है कि यार ये केवल अपने लिए स्पेशल खड़ी हुई है। तो यार सबसे पहले इसमें हमको चढ़ना है। यार मैं आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर और यहाँ पर देख सकते हो कुछ वन मानुष टाइप के आदमी मेरे अगल बगल बैठे हुए हैं और ये है बाहर का व्यू। और इधर पर मैंने एक एलियन जैसे दिखने वाले व्यक्ति को नोटिस किया। अरे ये तो मैं ही हूँ। घूर के रहा है ट्रेन इतना देर से चली नहीं रही है। ये लोग तो ट्रेन से भी तेज चल रहे हैं। तो फाइनली 100 सालों की कड़ी तपस्या के बाद हमारी ट्रेन अपने प्लेटफार्म से निकल चुकी थी। तो यार थोड़ी ही देर के बाद बांदा का एक सबसे मस्त व्यू आ चुका था इधर की केन नदी। इसके ऊपर भी मैं पहले एक व्लॉग बना चुका हूँ, तुम लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। तो यार अपन लोगों की ट्रेन को 10 मिनट हुए ही थे चलते हुए कि वो तुरंत फिर से जाके रुक गई। और इस जगह पे मैंने एक ट्रेन देखी जो ट्रेनों के कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज होता है। और तुम लोग यार इस तरह की ट्रेन में बैठे हुए हो जो यार हर 10 मिनट में रुकती चली जा रही है। यार इस ट्रेन में बैठ के तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। ये भगवान क्या जुलूम है। और ये फिर से जाके रुक गई थी। और यार यहाँ पर एक अंकल जी थे जो अपनी ट्रेन से उतर कर मेरी ट्रेन में चढ़ गए। और तुम लोग को विश्वास नहीं होगा मैं इन लोगों की शक्ल देख कर आधे घंटे तक हंसता रहा। एक बार यार इन लोगों की शक्ल देखो। इन लोगों की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है जैसे इनके घर वालों ने इनको मूंगफली खाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। तो यार इस ट्रेन के बार बार रुकने से मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था, इससे अच्छा तो मैं अपनी साइकिल से ही चला जाता। गाड़ी स्टार्ट कर। तो यार इस जगह पर एक आदमी ऐसे बाहर का व्यू देख रहा था कि मैं एक धक्का मारूं ये ऊपर वाले को प्यारा हो जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और यार ट्रेन रुकी नहीं कि इधर पर इन चचा ने धुआं धुआं करना चालू कर दिया। अरे चचा आराम से। अरे चचा। यार तुम लोग को विश्वास नहीं होगा कि जैसे तैसे गिरते पड़ते उठते जागते हुए मैं फाइनली कानपुर के स्टेशन के लगभग पास पहुंच चुका था। और यार मैं लगभग 200 साल से ट्रेन में ही सफर कर रहा था। चल झूठा। तो यार फाइनली मैं कानपुर पहुंच चुका था और उसी जगह मैंने कसम खा ली कि यार कभी भी जिंदगी में ट्रेन में नहीं बैठूंगा, इससे तेज तो मैं अपनी साइकिल में ही पहुंच जाता। लेकिन यार मैंने सोचा कि साइकिल चलाने में मेरे पैर दर्द हो जाएंगे, इस वजह से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। बस हवा निकल गई। और यहाँ पर मेरी ही जैसे दिखने वाला हम सकल एक लड़का मिल चुका था और मुझसे कह रहा था यार मेरे चैनल को लाइक कर देना। तो यार तुम लोग भी चलो लाइक कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो यार तुम लोग को लग रहा हो कि यार मैं इतना तेज तेज कैसे चल रहा हूँ। भाई साहब मैं खुद तेज नहीं चल रहा हूँ, मैंने इस वीडियो की स्पीड को तेज कर दिया है। एक तो ऊपर से पहले ही बारिश हो चुकी है और ये अलग पानी डाल रहा है। तो यार हम लोग अपना भूखा पेट लेकर एक होटल में पहुंच चुके थे और यार यहाँ पर इन लोगों ने हमको मेची और नमक के अलावा कुछ नहीं दिया। तो यार इस चीज को कहते हैं घंटाघर और लोग इसे घंटा नहीं देखते। तो यार हम एक रॉकेट जैसी तेज चलने वाली बस में बैठ चुके थे एक्सिस कॉलेज के लिए। तो यार यहाँ पर देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के लाल किला। अरे ये तो लाल है ही नहीं। अरे सॉरी हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सेस कॉलेज। तो यार अब हम बिना देर किए सबसे पहले गेट के अंदर एंटर कर लेते हैं। अरे बाबा ये गड़बड़ है बाबा। ये लोग तो इतने पेड़ पौधे लगाए हैं, इधर के लोगों को तो ऑक्सीजन की कमी पड़ती नहीं होगी। तभी तो मैं सोच रहा था कि धरती में से ऑक्सीजन की कमी कैसे कम होती जा रही है। और यहाँ पर मैं अपने बाल सेट करते हुए घूम रहा था। मेरे बाल को क्या देख रहे हो।
तो यार यहाँ पर देख सकते हो इसी बिल्डिंग में हमको काम है, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कुछ इंसान जैसे दिखने वाले जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं और इधर उधर भग रहे हैं। अब भैया यहाँ तक आए थे तो थोड़ा बहुत इनके बिल्डिंग में घूमना तो बनता था ना, तो हम लोग यार यहाँ पर घुस गए। एक मिनट यार, तभी तो मैं सोच रहा था पिछले साल अपने मोहल्ले के चड्ढा अंकल की एक कार चोरी हो गई थी और यार इन लोगों ने तो इस कार की चड्डी ही निकाल ली है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम उस बिल्डिंग में खड़े हुए जहाँ पर हर आदमी फैशन करता फिरता है, और यार यहाँ पर देख सकते हो इधर पर इन लोगों ने अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है। तो इधर पर देख सकते हो इसे कहते हैं 3D मशीन। यार यही तो मुझे खरीदनी थी, मुझे लगता है इसे तो मैं चोरी करके भाग जाऊंगा, कॉलेज वॉलेज छोड़ो। और यार ये है अपनी सबसे पसंदीदा जगह है जिम, जहाँ पर हम लोग बॉडी बनाएंगे। और यार इस लड़की की शक्ल देख देख के मैं बोर हो चुका हूँ, ये हर बार कैमरे के सामने आ जाता है। और ये इस कॉलेज की मैस। और यार मैं अपना कैमरा से इस बिल्डिंग का व्यू रिकॉर्ड कर ही रहा था तभी मैंने इधर पर हल्क को देखा। भाई ऐसी ही बॉडी तो चाहिए। और यहाँ पर इन लोगों ने जो ये भूतिया स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है, रात को कोई निकलेगा तो इनको देख के ही डर जाएगा। तो यार फाइनली तुम्हारा भाई अपना समय बर्बाद करके दोबारा घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि यार तुम्हारे भाई को अपने घर की याद आने लगी। तो फिर से मैंने रॉकेट से भी तेज चलने वाली बस में बैठा। तो फाइनली हम फिर से उसी जगह पे पहुंच गए जहां से निकल के आए थे। सुबह का भूला रात को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। और तुम लोग मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, जहाँ पे हम लोग टिकट कटा रहे थे उस जगह पे इतनी भीड़ थी और वो लोग ऐसे नल्लों की तरह घूम रहे थे जैसे उनकी जिंदगी में कोई काम ही नहीं बचा, बाकी घूम तो हम भी रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने टिकट कटा ली थी और हमको जाना था चौथे प्लेटफार्म की तरफ। तो यार हम लोग खड़े थे पहले प्लेटफार्म की तरफ, तो और मुझे इतना ज्यादा नींद आ रही थी कि पूरी रास्ता में ट्रेन में मैं केवल सोता ही रहा। और फाइनली मैं अपने सिटी बांदा पहुंच चुका था, और यहाँ पर देख सकते हो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ।